हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। देखिए, जॉइंट्स जो होते हैं दे आर द आर्टिकुलेशन साइट्स ऑफ टू और मोर बोन्स। हमारे पूरे स्केलेटन में तीन प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। एक जॉइंट्स है हमारे स्कल बोन्स के दरमियान। ये जो जॉइंट्स हैं बोन्स के बीच में, इनमें द जॉइंट्स आर इमूवेबल, लाइक यू कैन नॉट मूव योर पेराइटल बोन और आप उसको रख देते हो नीचे, या फ्रंटल बोन को आप निकाल के नीचे नहीं रखते, क्योंकि जो ये जितनी भी आपके स्कल बोन्स हैं दे आर हेल्ड टूगेदर बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से जो ये जॉइंट्स हैं बिटवीन द स्कल बोन्स दे बिकम इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट्स। सिमिलरली द टीथ एम्बेडेड इन आर सॉकेट्स दे आर ऑल्सो इमूवेबल जॉइंट्स। तो ऐसा नहीं होता कि रात को भाई आप दांत निकाल के रख देते हो और सुबह जो है फिर दोबारा लगा लेते हो, बिकॉज आपके दांत जो है वो सॉकेट्स में धसे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे प्रकार के जॉइंट्स हैं हमारे स्केलेटन में स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इनमें स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल होती है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द कार्टिलेज, क्योंकि दो हड्डियों के दरमियान एक पैड होता है, एक डिस्क होता है कार्टिलेज का, और उस कार्टिलेज के कंप्रेस होने से थोड़ी बहुत मूवमेंट अक्रॉस दिस जॉइंट इज पॉसिबल। आप बोलेंगे कि एग्जाम्पल क्या है इस जॉइंट के? सो बेटा, हमारा जो ये स्टर्नम है और जो ये हमारी रिब्स है दे आर हेल्ड टूगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, इसलिए स्टर्नम और कार्टिलेज के बीच का जॉइंट बन जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी हमारी वर्टिब्री जो कि वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी बनाती है, इस रीढ़ की हड्डी में भी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। जो सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट है जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट और जो विजिबल मूवमेंट है वो पॉसिबल होती है, दे आर द साइनोवियल जॉइंट और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, विच आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। एंड इसमें दो हड्डियों के दरमियान एक स्पेस होता है विच इज कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। सो साइनोवियल कैविटी के होने की वजह से जो दोनों हड्डियां हैं एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट फ्रीली मूव कर सकती है। और इन जॉइंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास है, हमारे साथ है हमारे जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म और मॉडल हम यूज करने वाले हैं आज, वो है सर हमारे बहुत ही ज्यादा फिट। और अब हम सबसे पहले बताएंगे आपको अबाउट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है बिटवीन द स्कैपुला। स्कैपुला में एक सॉकेट होता है जिसमें हेड ऑफ द ह्यूमरस एंटर करती है और रोटेटरी मूवमेंट अलाउ करती है इन ऑल द डायरेक्शंस। सो बॉल ऑफ ह्यूमरस एंटर इनटू द सॉकेट ऑफ द स्कैपुला टू अलाउ रोटेटरी मूवमेंट, ऑल मूवमेंट इन ऑल द एक्सेस। सो दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कॉल्ड एज शोल्डर जॉइंट। इसके बाद अगला जॉइंट है हमारा ये जॉइंट ह्यूमरस, और रिमेंबर ये एनाटॉमिकल पोजीशन है आपकी। जब आपकी लिटिल फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मीडियन साइड, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेटरल साइड, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। लिटिल फिंगर की तरफ अल्ना बोन होती है और थंब की तरफ रेडियस बोन होती है। अल्ना और रेडियस इस ह्यूमरस में एंटर करती है और हिंज जॉइंट बनाती है। सो दिस एल्बो जॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यू नो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ योर फोर आर्म एंड इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। जैसे दरवाजा खुलता है वैसे ही ये एक ही एक्सिस में जो भी मूवमेंट है उसको अलॉक करता है। द थर्ड जॉइंट इन आवर आर्म is present at the level of these carpals. यहाँ पे 8 carpals होती हैं, जहाँ पे आप अपनी wrist, जिसे आप wrist कहते हैं, इस wrist में जो carpals होते हैं वो बनाते हैं gliding joint. Gliding joint simplest type of joint होता है और इसमें कोई ज्यादा visible movement आपको दिखती नहीं है। So that's the gliding joint present between the carpal bones.
The next joint is our joint which is present between the metacarpal of the thumb and carpal region. मेटाकार्पल थंब का और ये कार्पल एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट बनाते हैं रिड्यूस्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसका नाम है सैडल जॉइंट। ये भी रोटेटरी मूवमेंट आप देख रहे हैं शो कर रहा है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह फ्री मूवमेंट अक्रॉस दिस जॉइंट इज नॉट पॉसिबल। लास्ट जॉइंट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेटे ये जो आपकी ये उंगलियां हैं, ये सारी उंगलियां हैं आपकी, इसमें टोटल यहां पे दो हड्डियां हैं, तीन हड्डियां हैं, तीन तीन तीन, फेलेंजियल फॉर्मूला आ जाता है 2 3 3 3 3। इन फेलेंजेस में एक दूसरे के साथ जो ज्वाइंट होता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट एंड दिस ज्वाइंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट। So, interphalangeal joint, जो हमारी fingers की bones के बीच में होता है, that is an example of hinge joint. All right. So, hopefully you have discussed it. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Okay. So, hopefully, dear students, आपको ये समझ में आया होगा। बहुत easy way में मैंने आपको समझाया with the help of our most eligible trainer. Thank you so much, sir. Thank you a lot.